भाई इतनी इतना टाइम हो गया कि अभी तक क्या आ रहे अरे तेरा तो चार साल हो गए वो तो वो है सोसाइटी में धीरे धीरे क्या होता है, है? है। किसी ने कुछ बोला कि भाई कितने भाई मैं दस वो तो दस दे दूंगा तो क्या लगता है कि कोचिंग का कितना है इसकी तैयारी ऑनलाइन का जमाना है आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस अवेलेबल है कुछ गाइड नहीं था जो मुझे बता पाए सपना था यूपीएससी क्रैक करना वो हकीकत बन गया बहुत ही स्ट्रेस फ्री लग रहा है और सब लोग बुलाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि सोशल रिस्पेक्ट एकदम से बढ़ गई है घर में भी कुछ बोलो ना तो सब सुनते हैं ध्यान से एकदम पहले यूट्यूब पे ऐसे जो स्टॉक्स वगैरह दिखता था ना तो होता था कि यार कभी जाके यहाँ पे बोलने का मौका मिले जो तो एक्चुअल चाहते थे कि तुम्हारा हो जाए दे आर वेरी हैप्पी सोसाइटी के दो पहलू हैं वही लोग जो आपको ताने मारते हैं ना तो वो अब वो आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं मुझे फ़ोन पर बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है तो मेरे पापा बोलते हैं कि हाँ वो थैंक यू बोल रही है एक दो तो ऐसे थे जो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट तक नहीं करने आए सवाल आप तीनों से ही है यू पी सी एक लंबी जर्नी होती है जहाँ पर अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और दूसरी चीज़ें भी फेस की जाती है तो ऐसे में जैसे आपने कहा था कि रिश्तेदार और दूसरे लोगों का जो इंटरफेयर होता है वो बड़ा आप कितना भी उनको साइडलाइन करें लेकिन वो कहीं कही ना कहीं वो बातें जहन के अंदर चलती रहती हैं तो ऐसे में ना किस तरह से बचा जा सकता है अगर बचने की कुछ उपाय हो सकता है ख़ासतौर पर रिश्तेदारों की जब हम बात करते हैं रिश्तेदारों में फिर मोहल्ला पड़ोस में भी ऐसा होता है कि भाई इतनी इतना टाइम हो गया कि अभी तक करके आ रहे हो अरे तेरा तो चार साल हो गए फल को देख वो तो वो कर रहा है तो ऐसे में आ, किस तरह से बचा जा सकता है मतलब बेसिकली किसी कोने में बैठा जाए किसी अलग एकांत में चला जाए कैसे करा जा सकता है इसको uh. पापा ने एक चीज़ सिखाई थी कि कोई रिश्तेदार या कोई कुछ बोले तो एक कान से सुनना है दूसरे कान से निकालना है ये पहली चीज़ थी बचने के लिए दूसरी चीज़ आई थिंक थोड़ा लेट रियलाइज़ हुआ बट मैंने बचने के लिए क्या किया था मैंने अब इस बार इस अटेम्प्ट के लिए स्पेशली मैंने नहीं बताया था किसी को कि मैं ये अटेम्प्ट दे रही हूँ या इस एग्ज़ाम जर्नी में हूँ मैंने स्पेशली अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कोई पूछेगा कि क्या कर रही है इतना टाइम हो गया बोल दो जॉब कर रही है ऐसा तो ये दो चीज़ें मैंने की थी मैंने बताया नहीं कि यू इस बार मैं दे रही हूँ और दूसरा कि एक कान से सुन के बस दूसरे कान से निकालना है एट दी एंड आपको सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स का वही मैटर करते हैं तो अगर उनका सपोर्ट आपके पास है तो आई थिंक आपको फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ये सोचना चाहिए हर कोई इसी चीज़ से गुजर रहा है सेम सिचुएशन सबकी है तो ये आपको एक रिलीफ देता है कि हाँ ठीक है आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में और पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाएगा ना तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ईजीली हो जाएंगी ये मैम का ने काफ़ी अच्छी एक बात बोली क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी ना ज़्यादा लोगों को नहीं बताया था कि मैं यू की तैयारी कर रहा हूँ मतलब उनसे कोई पूछता था तो कहते थे अभी ऐश कर रहा है अभी उसको कुछ नहीं है क्योंकि ऐस सच कुछ था नहीं तो ये चीज़ एक है काफ़ी अच्छी कि आप पहली बात तो बताएं ना और जिनको पता है ना उसको जो मेरा पर्सनल एक वो था तो मैं उसको ह्यूमर में ले जाता था कि किसी ने कुछ बोला कि भाई कितने अटैम्प्ट तीसरे कप मतलब कितने देगा तो था उन्होंने कहा दस हो तो दस दे दूंगा मतलब उसको ह्यूमर में लेके जाओ तो ना खुद भी इतना बुरा फील नहीं होता और सामने वाला फिर ज़्यादा बोलता भी नहीं मैम मैंने तो बहुत ही ऑबसिक्योरिटी मेंटेन करी थी तो मैं जैसे कोई पूछता था क्या कर रहे हो तो मैं बताती थी कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रही हूँ तो अब सबको पता है इतने सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो कोई पूछेगा नहीं कुछ इसके आगे क्या है इसके अलावा एक्चुअली मेरे रिलेटिव जो है वो सब वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो मेरे घर पर तो कोई आता नहीं है तो मेरे पेरेंट्स ने क्या किया कि मैं एक्चुअली फ़ोन ज़्यादा उठाती नहीं हूँ किसी का भी तो मेरे पेरें वो लोग मुझे फ़ोन करते थे मेरा फ़ोन साइलेंट पे ही रहता है तो नहीं जाता फिर मेरे पापा के पास फ़ोन आता था, था कि उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मेरे पापा बोलते वो किसी का फ़ोन उठाती ही नहीं है आप मुझे फ़ोन करो आप मुझसे बात करो कुछ होगा तो मैं उनको बताऊँगा तो ऐसे करके मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचाया कि हाँ वहाँ तक बात ना आए ज़बरदस्ती मुझे बात नहीं करनी पड़े कि फ़ोन पर बात करना भी अपने आप में ही बहुत ही टीडियस काम होता है तो यहाँ पर पेरेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया ये प्रेशर से बचने में तीनों से ही पूछना चाहूँगी प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी सबकी प्रिपरेशन में ना कुछ एक्सक्लूसिविटी होती है हम लोग देखते हैं बाकी टॉपर्स की टॉक देखते हैं उनकी स्ट्रैटेजी देखते हैं उसको तो अपनाते ही हैं पर सबके अपने कुछ ना कुछ वो रहते हैं कि मैं ऐसे पढ़ाई करती हूँ कुछ ना कुछ अलग रहता ही है तो प्री के लिए भी आप क्या ऐसा अलग करते थे और मेंस के लिए भी क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होती थी जो आपको लगता है कि ऐसा तो मैं ही पढ़ती जैसे निमोनिक्स बना लिए या फिर और कई लोग पोस्टेड्स पेस्ट करके उस पर नोट्स याद रखते हैं तो आप तीनों की ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो हम लोगों को नहीं पता है एक मेरा प्रिलम्स और मेंस में ने एक स्पेशल चीज थी मैंने ना एक अलग नोटबुक बनाई हुई थी वही डेटा फैक्ट्स के लिए करंट अफेयर्स के नोट्स में जो एग्जांपल बनाता था तो मेरी एक प्रिलिम्स की स्पेसिफिक बुक थी उसमें मैं ना कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें जो मुझे लगता है प्रलम्स में पूछ सकते हैं और जो टेस्ट से कुछ चीज़ें गलत हुई जो मतलब जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए उनका मटेरियल कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल मैं उस प्रिलिम्स की नोटबुक में बना के रखता था एंड मीनस uh, में वो चीज़ बहुत काम आई क्योंकि प्रिलम्स में भी ना हमारे कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हम प्रिलम्स के लिए पढ़ते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इनिशिएटिव पढ़ लिया कि भाई हंड्रेड फार्मर इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू से ग्रीन एग्रीकल्चर या समथिंग लाइक दैट तो वो चीज़ मैं अपने वैल्यू uh, एडिशन की तरह मीनस में डाल सकता हूँ और ऐसी मैंने एक मेन्स कॉपी बनाई हुई थी जिसमें मैंने कोट्स भी डाले हुए थे और एग्ज़ाम्पल्स भी डाले हुए थे और uh, मतलब उसको मैंने ना जीएस के सिलेबस वाइज नहीं तोड़ा उसको मैंने इस तरीके से हैंडल करा कि ये मेरी एक कॉपी है और ये कॉपी मुझे एट एनी पॉइंट ऑफ़ टाइम याद होनी चाहिए लाइक like इस कॉपी में मैं जो चीज़ ऐड कर रहा हूँ वो चीज़ मेरे माइंड में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होनी चाहिए वो ऐसा नहीं है कि अब ये कॉपी एग्जाम से पहले रिवाइज़ करके याद करूँगा ये वाली कॉपी मेरी एटलीस्ट ऐसी हो कि इस कॉपी से मुझे सब याद हो बाकी नोट्स तो रिवाइज करते हैं मेरा तो ऐज सच जो अलग था यही था कि प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से किया था स्पेशली इस अटैम्प्ट में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से और उसके अलावा मेरी भी एक स्पेशल एक अलग से नोटबुक रहती थी उसमें मैं जो मुझे हिंदू पढ़ती थी मैं डेली तो मुझे कुछ अच्छे कोट्स मिल गए या कोई शॉर्ट स्टोरी मिल गई जो कि मैं बाद में एथिक्स वगैरह में यूज़ कर पाऊँ तो वो मैं अलग से एक नोटबुक में सब कुछ डेली लिखती थी और यही ये, ये दो चीज़ें हैं मेनली जो मैंने इस अटैम्प्ट में अलग की थी और मैंने नोट्स नहीं बनाए लाइक like, बहुत लोग नोट्स बनाते हैं मेरे पास नोट्स ही नहीं है मुझसे लोग मांगते भी मैम अपने नोट्स दे दो ये दे दो मेरे पास है ही नहीं नोट्स मैं सिर्फ बुक्स थी जो लिमिटेड उनको ही अंडरलाइन करती थी मल्टीपल टाइम्स उसी में रिवीजन करती थी बिकॉज आई थिंक मेरे अंदर नोट्स मेकिंग की वो है ही नहीं कला जैसे इन्होंने बोला कि इनका है कि इन्होंने मैम के नोट्स में से भी नोट्स बना लिए मैं तो लिखती थी ना तो मुझे हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती थी तो मुझे लगता था अब इसमें से मैं क्या छोड़ दूँ तो मेरे लिए हो गया था मैंने नोट्स ही नहीं बनाए थे इस जर्नी में मेरा एक्चुअली उल्टा था मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए थे <laughs> तो मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने आज जो भी पढ़ा उसको मैं साथ में हाईलाइट कर लेती थी जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में ये प्रिलिम्प के लिए था कि नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं क्या करती थी जो स्टार्टिंग का एक से दो घंटा था उसमें मैं सिर्फ वो हाईलाइटेड चीज़ों को रिवाइज़ करती थी उससे क्या होता था मैं दो तीन चीज़ें दो बार रिविजन तो मेरा सुबह ही हो गया और जब मैं नेक्स्ट टाइम आज जो मैं भी पढ़ रही हूँ उसको मैं साथ में लिंक कर सकती हूँ जैसे एल नीनो आ गया ठीक है तो एल नीनो अगर मैं पढ़ रही हूँ और मैंने साथ में उसका मैप बनाया है एनसो वगैरह का सब कुछ मैप्स बनाए हैं और साथ में अगर मैं दूसरी एग्रीकल्चर की चीज़ें पढ़ रही हूँ तो मैं उसमें एक चीज़ ये भी डाल सकती हूँ कि हाँ एल नीनो का भी इम्पैक्ट है छोटा सा एग्जाम्पल तो इस तरीके से मैं करती थी मेनस में मैंने क्या किया कि जो पी वाई क्यूज़ थे और जैसे कि अभी आप वैल्यू एडिशन की बात कर रहे थे तो जितने भी पी वाई क्यूज़ थे मैंने ऑलमोस्ट सारे लिखे और अगर नहीं भी लिखे तो मैंने सबके स्ट्रक्चर्स बनाए थे और मैंने क्या किया कि पी वाई क्यूज़ में जो करेंट डेटा है या फिर जो केस स्टडीज़ है उनको मैं लगातार मेंशन करती रहती थी ताकि जब मैं एंड टाइम पे लिखूं तो वो मुझे एकदम से याद आए क्योंकि कई बार वो नहीं आता है याद जो तुमने पढ़ा है उस वक्त जो तुम्हारे पास रिकॉर्ड है वही याद आएगा वही लिख पाओगे तो ये चीज़ें मुझे हेल्प करी ठीक है ये जो अभी टाइम चल रहा है ना जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर ये वाला इस टाइम दो तरीके के एस्पेरेंट्स होते हैं जो मेन्स लिख रहे हैं और जो नेक्स्ट ईयर के प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आप तीनों से ही ना प्रिल्स मेन्स इंटरव्यू तीनों ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए आप तीनों से उनके लिए ना कुछ टिप्स पूछना चाहूँगी कि जो आप उनको दे सकते जो आपने अपनी पूरी जर्नी से सीखा और आपको लगता है कि अगर वो एस्पिरेंट्स को अभी से पता चले तो उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनकी उनके लिए एक तो मैं कहूँगी कि टाइम हमेशा ही कम होता है अभी लग रहा होगा कि पूरा एक साल है पर ऐसा नहीं होता है टाइम हमेशा ही कम पड़ता है तो ये वाला जो फेज़ है ना इसमें जब बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है तो ऐसी चीज़ पढ़ ली जाए जो कि बहुत ही आसान है तो जब मेरा पिछली बार जो मैंने फोर्थ अटैम्प्ट दिया था और जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था उसमें मैंने क्या किया था अपना एथिक्स का सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया था वन गो में जैसे यूट्यूब के लेक्चर्स देख लो या फिर कुछ किताबें पढ़ लो कुछ भी अलग तो कोई भी टाइम वेस्ट मत करो बीच में अगर ऐसा लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है एक हफ़्ते बहुत ही दस दस घंटे बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिया और थक गए तो एक दिन या आधा दिन का आप ले सकते हैं ब्रेक लेकिन वो ब्रेक ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए क्योंकि टाइम हमेशा ही लास्ट में कम पड़ेगा चाहे कितना भी पढ़ लो तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है इसमें मैं ये चीज़ बोलूँगा जो अभी जिनका मेन्स है वो तो अपना फोकस वही करें कि जो अगर शॉर्ट नोट्स रेडी नहीं है तो शॉर्ट नोट्स रेडी करें और अपना रिविजन करें जी के सिलेबस का और ऑप्शनल के नोट्स का और फिर टेस्ट देने स्टार्ट कर दें अगस्त या लेट अगस्त से क्योंकि मिड सेप्टेम्बर में शायद मेन्ज है इस बार उनका तो मतलब सेटल्ड है सब कुछ कि हमें क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है जिसका जो चीज़ लैक कर रही है वो आई थिंक जून और मिड जुलाई तक फिनिश हो जानी चाहिए मिड जुलाई के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी भी कुछ मेजर चंक सिलेबस का रहता है या कुछ चीज़ अनप्रपेयर्ड है मिड जुलाई तक मतलब उसके बाद यू कैन नॉट अफोर्ड दैट क्योंकि मिड जुलाई से मिड अगस्त और लेट अगस्त तक तुम्हें सारा रिविज़न करना है सारे वैल्यू वैल्यूडेशन तो अपने पक्के करने हैं और आखिरी पंद्रह दिन रिवाइज और टेस्ट देने हैं तो ये चीज़ वो करें और जिनको अभी एक साल है वो ये मत समझें एक साल बहुत टाइम है एक साल एक्चुअली कम ही टाइम है क्योंकि अगर फिल्म ही नहीं हुआ तो मतलब मेन्स अगर आप रेडी नहीं हैं तो पहली बात तो फिल्म देना ही नहीं चाहिए मतलब मेरा पर्सनल मानना ये है अगर आपके मेन्स आप रेडी नहीं हैं तो फिल्म ना दें मतलब मेन्स एटलीस्ट कुछ लेवल तक रेडी हो और अब फिल्म नहीं हुआ तो यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आप टाइम अपना वैल्यूएबल तरीके से यूज़ करें क्योंकि बहुत सारे फिफ्टी परसेंट ऑफ ना इस समय नहीं पड़ेगा फिफ्टी परसेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इस समय तीन महीने ख़राब करेगा और सेप्टेम्बर अक्टूबर में जागेगा कि यार पढ़ लेता हूँ क्योंकि जनवरी से फिल्म का दोबारा पढ़ना है तो ये अच्छा टाइम है मेरा जब फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो उसके बाद मैंने ऑप्शनल उठा लिया था क्योंकि एनी वेज ही पढ़ना था मेरा ऑप्शनल ही थोड़ा वीक था एंड अगर प्रीलिम्स होता भी तो भी ऑप्शनल पढ़ना था नहीं होता तो भी ऑप्शनल पढ़ना था तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अभी तीन महीने ऑप्शनल पढ़ें तीन महीने में अपना ऑप्शनल पूरी तरीके से कंप्लीट करके शॉर्ट नोट्स बना के थोड़ी बहुत सेक्शनल आंसर राइटिंग करके एक अच्छा कॉन्फिडेंस बना लें अपना ऑप्शनल का अपना जून जुलाई अगस्त मिड सेप्टेम्बर तक ऐसा करें और सेप्टेम्बर वाला चाहे ऑप्शनल का पेपर लिख भी लें अपना गोल यही बना लें कि अपना सेप्टेम्बर वाला जो हमारा ऑप्शन का पेपर आएगा वो हमें तीन घंटे बैठ के लिखना है फिर सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये चार महीने एक एक जीएस को देने दें आई थिंक जी एस में थोड़ा कम टाइम लगता है थ्री में सबसे ज़्यादा लगता है और फोर में कम लगता है टू और थ्री थोड़े ऐसे हैं जो थोड़े बल्कि से रहते हैं इनफैक्ट वन भी बल्कि साइड पे ही है तो वन टू थ्री फोर ये चार पेपर आप कंप्लीट करेंगे इन चार महीनों में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और हर महीने बाद एक फाइनल टेस्ट लिख लें फुल लेंथ टेस्ट या समथिंग लाइक दैट जिससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हाँ मैं ट्वेंटी मिन मैं थर्टीन आवर्स में ट्वेंटी क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ क्योंकि आधे बच्चों का फिल्म के बाद ये होता है कि पेपर ही कम्प्लीट नहीं हो रहा तो वो ना टेंशन बहुत बुरी रहती है कि यार हमारा तो पेपर ही कम्प्लीट नहीं हो रहा कैसे होगा तो ये टेंशन ना लें और उसको दिसंबर तक अपना गोल बनाएँ कि सारे जी को हम एक एक बार लिख लें और टाइमली कम्प्लीट गम्ली हो रहे हैं हमारे जी के पेपर्स दिसंबर तक ये कम्प्लीट हो जाएगा फिर जनवरी से अपना नॉर्मल फिल्म की तैयारी करें और जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना इन महीनों में ऑप्शनल के और एक एक महीने जो जीएस को दिया है उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहें जनवरी फेबररी तक जान फेब तक उनको रिवाइज करें फेब के बाद बिल्कुल छोड़ दो फिर मार्च अप्रैल में अपना फिल्म की तैयारी फिर फिल्म दे के की तैयारी सेम ही है मेरा भी पहले तो जो अभी जिन्होंने प्री दिया है तो वो रिजल्ट का वेट ना करें मीन्स की प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट कर दें और दूसरा जो अभी एक साल ले रहे हैं या दो साल ले रहे हैं उनको वही अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो दिसंबर तक में उनका ऑप्शनल और जीएस में इतनी पकड़ हो जानी चाहिए कि वो तीन महीने सिर्फ उनका रिवीजन में ही जाएगा और आंसर राइटिंग में जाए तो जैसा कि इन्होंने बोला फर्स्ट सेकेंड जी एस वन टू थ्री फोर को लास्ट के फोर मंथ्स में एक एक महीना दो मेरे लिए क्या था वो बहुत डल हो जा रहा था तो मैंने वही चीज़ की बट मैंने क्या किया कि दो दो महीना मैंने जी एस वन और जी एस थ्री जी एस टू और जी एस फोर में डिवाइड कर दिया था और ऑप्शनल को भी साइड बाय साइड लगा दिया था इन छः महीने में तो इसमें मेरा टाइम मैनेजमेंट रहता था तो ऐसा करके जब इस लास्ट के फाइव मंथ्स बचे तो वो पूरा ही फोकस आपका प्रीपे होना चाहिए उस टाइम पे तो आप तब तक आपके नोट्स अगर आप बना रहे हो तो नोट्स रेडी रखो और उस टाइम पे फिर प्रीपे फोकस करके आप सी सैट को बिल्कुल मत छोड़िए क्योंकि सी सैट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल uh, है लास्ट ईयर बहुत टफ था इस साल थोड़ा बोल रहे हैं कि उससे कम लेवल है तो नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर कैसा आएगा तो सी आर्ट को भी नहीं भूलना है तो प्री के साथ इन दोनों चीज़ों को लेके फिर एग्जाम के लिए अटेम्प्ट इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा ये जो बताया है, ये ना आइडियल है काफ़ी तो हो सकता है ये फॉलो ना हो क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ था शायद मैम का भी ना हुआ हूँ <laughs> मेरा तो पर्सनली नहीं हुआ था तो ये चीज़ ना काफ़ी आइडियल है तो अगर ये इसमें से भी कुछ कुछ अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी वो तीन महीने में कुछ कुछ आप छोड़ सकते हैं बट दिस शुड बी द गोल यू शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स आपको क्या लगता है कि कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंस है इसकी तैयारी में मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी और जीएस के लिए भी कोचिंग ज़रूरी है कि लेना ही चाहिए या बिना उसके भी हम निकाल सकते हैं एग्ज़ाम कोचिंग कोचिंग में बेसिकली अगर हम देखें तो क्या होगा एक तो आपको डिफाइंड सिलेबस मिलेगा ठीक है सिलेबस का मटेरियल मिलेगा और साथ में वो आपको समझाएँगे कि ये चीज़ है क्या तो अगर आपको लगता है कि आप एक किताब पढ़ के समझ सकते हो ठीक है कम टाइम लगा के खुद के नोट्स बना सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोचिंग की बहुत खास ज़रूरत है जैसे मैंने जो लिया था मैंने प्रिलियम्स के लिए कोई, कोई कोचिंग नहीं ली थी मैंने टारगेट यू से एक कोचिंग ली थी वो मेन्स के लिए क्योंकि मुझे वहाँ पर लग रहा था कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और जी एस और जी एस में, में मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं था मैंने पढ़ रखा था लेकिन करेंट अफेयर्स वाला पार्ट मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं था तो आप देखिए कि आपके पास टाइम कितना है क्या वहाँ पर अगर आप कोचिंग लेते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको करेगा और अगर आपको लगता है कि हाँ वो करेगा तो वो लो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है मैं खुद पढ़ के नोट्स बना ही रही हूँ मेरा सब कुछ ये प्रिपेयर्ड ही है तो फिर कोचिंग रिडंडेंट बन जाएगी क्योंकि एट दी एंड अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो आपको जाने में एक घंटा लगेगा आने में एक घंटा लगेगा और सिर्फ कोचिंग वाले दिन आप वहीं पर पढ़ रहे हो पर वो पढ़ के फ़ायदा नहीं है क्योंकि आके खुद याद करना है खुद पढ़ना है अपने दिमाग में बिठाना है तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन लेने के बाद डिसाइड करना चाहिए कि कोचिंग लें या नहीं मेरा भी मानना इसमें यही है कि आप अप, अपने हिसाब से देखें आपको कोचिंग की नीड है या नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता था जी एस मैं खुद कर लूँगा बट ऑप्शनल के लिए कोचिंग चाहिए बट मेरा इसमें पर्सनली ये था कि ना एक बार कहीं से एक बार फाउंडेशनल कोर्स कर लो उससे ना तुम्हें आइडिया लग जाता है जैसे पर्सनली मेरे पास ऐसा कुछ मेंटर नहीं था कोई गाइड नहीं था जो मुझे बता पाए कि जी एस टू में ये है जी एस थ्री में ये है तो एक बार आप फाउंडेशनल कोचिंग कहीं से कर लोगे तो आपको एक आइडिया ये लग जाएगा कि भाई कौन से पार्ट ऑफ सिलेबस में मुझे कितना एफर्ट डालना पड़ रहा है जैसे मुझे ये था कि भाई पॉलिटी में मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है इकोनॉमिक्स में एफर्ट नहीं डालना बट हिस्ट्री और जोग्राफी में एफर्ट डालना पड़ रहा है तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई खुद से हो जाएगी और ना जो फाउंडेशन कोर्स में आपको नोट्स मिलेंगे ना दे विल एक्ट एज़ योर बेसिक नोट्स उसी में आप एडिशंस करेंगे उसी में आप चीज़ें करेंगे तो दैट विल हेल्प यू मैंने पर्सनली ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी क्योंकि ऑफलाइन में मुझे यही था एक तो ट्रैवल में टाइम लगता है फिर ऑफलाइन में ना दे टेक फाइव सिक्स आवर्स की क्लासेस उसमें क्या होता है दो घंटे पढ़ के तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है फिर तुम सोच रहे होते हो कि नोट्स बना लेता हूँ घर जाके पढ़ लूँगा अब वो टाइम वेस्ट वाली बात है नोट्स छापने मतलब कॉपी करना थोड़ी आए हो तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी एन अकेडमी से और उसमें मैं क्या करता था दो घंटे का लेक्चर है अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा ली अपने हिसाब से लेक्चर रिवॉच कर लिया और जैसे दो घंटे का लेक्चर है एक घंटे बाद मैं से मन करा कि घूम के आना है अभी और पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा तो पॉज करके चले गए तो ऑफ़लाइन में ये चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं होती तो आई वुड डेफिनेटली से कि ऑनलाइन कोचिंग ही लो अपने पेस पे पढ़ो बट अगर किसी को डिसिप्लिन इश्यूज़ हैं कि भाई मैं जा खुद नहीं पढ़ पाता मुझे क्लास हो तभी मैं पढ़ पाऊंगा तो आई थिंक ऑफलाइन वुड बी अ बेटर चॉइस मतलब ये सब पर्सनल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है बट आई वुड स्टिल से कि अगर कोचिंग इफ़ यू कैन अफोर्ड तो कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं है इट्स नॉट अ बैड थिंग एंड ली जा सकती है क्योंकि वो फाउंडेशन वाला काम हेल्प होती है काफ़ी क्योंकि इफ़ यू डो नॉट हैव मेंटर्स अगर फैमिली में कोई है या इफ़ यू हैव एल्डर ब्रदर या कोई नेबर में है तो फिर यू कैन अवॉइड बट आई थिंक यू शुड टेक इट आई थिंक कोचिंग लेते हैं लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मोस्टली आई थिंक ऑप्शनल में शायद जरूरत पड़ सकती है अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही नोट्स तो अब ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं आप व आ रहेंगे आपको हर जगह नोट्स मिल जाएंगे और अब तो मतलब ऑनलाइन का ज़माना है आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस अवेलेबल हैं किसी भी टॉपिक की आपको मिल जाएगा तो बहुत एक्सट्रीम केस होगा तो आई थिंक आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए अदरवाइज अब तो सेल्फ स्टडी बिकॉज एट दी एंड आपको करना सेल्फ स्टडी ही है तो आ, मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है कोचिंग एज सच इज नॉट इम्पॉर्टेंट अनटेल एंड अनलेस कि आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा ही नहीं समझ में आ रहा तो क्योंकि मोस्टली जो एसपेरेंट्स हैं मेजारिटी ऑफ़ द एस्पेरेंट्स व आते हैं मिडिल क्लास से या फिर लोअर इनकम बैकग्राउंड से और कोचिंग बहुत ही अनअफोर्डेबल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए तो आप ऑनलाइन जाइए यूट्यूब पर वीडियोज़ मिल जाती मैंने खुद भी बहुत सारी वीडियोज ऐसे यूट्यूब पर देख देख के किया है तो कोचिंग एज सच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मेरा सवाल आप तीनों से है जैसे कि आप तीनों की आप तीनों ने यूपीएससी क्लियर किया है तो यूपीएससी की जर्नी बहुत लंबी होती है काफ़ी अप्स एंड डाउंस आते हैं कभी कभी अगर एक अटैम्प्ट में क्लियर ना हो तो लगता है कि अब दे पाएंगे कि नहीं खुद में वो ना लगता है तो अब आपका अटैम्प्ट क्लियर हो गया अब आपको कैसा फील हो रहा है और दूसरा क्वेश्चन ऐसा ये है कि उस समय आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा कि आप आगे के अटैम्प्ट दे पाए कैसा लग रहा है एक तो बहुत ही स्ट्रेस फ्री लग रहा है और सब लोग बुलाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ अभी इतना सम्मान भी मिल रहा है तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये भी सोच के कि अब हम उस साइकिल से भी निकल गए हैं ठीक है बहुत ही रिलीव फीलिंग है अब कैसे मोटिवेट रखा सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए कि हाँ हमें ये करना ही है जिससे मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट करने से पहले ही सोच रखा था कि मैं छः अटैम्प्ट दूँगी तो मतलब मेरे दिमाग में था कि हाँ इतना टाइम लग सकता है कि जब तक नहीं ही होगा पर ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही दिमाग आपका हर वक्त बना रहे क्योंकि जैसे ही फेलियर आता है तो बहुत ही लो पॉइंट्स होते हैं उस वक्त आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जितने भी हैं फैमिली उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है तो एक सपोर्टिव फैमिली होना बहुत ही ज़रूरी है ठीक है जो जब आप हार जाओ तो आपको बोले कि कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा थोड़ा घूम के आते हैं थोड़ा फ्रेश होके आते हैं फिर दोबारा पढ़ेंगे तो यही चीज़ है कि क्लियर रखना है कि कितने देने हैं हो सकता है कि कोई तीन ही अटैम्प्ट देना चाहता है तो अपना प्लान भी तैयार रखे लेकिन वो भी दो अटैम्प्ट के बाद जब आप आखिरी अटैम्प्ट दे रहे हो तब जब तक आप अपने सेट क्राइटेरिया के उतने अटैम्प्ट नहीं ले लेते हो जैसे तीन या चार तब तक आप कोई प्लान बी मत रखो ये तो मेरा मानना है क्योंकि फिर अगर आप प्लान बी रखते हो तो फिर आपका दिमाग रहता है कि अच्छा वो वाला भी दे, दे देते हैं फिर आप इसमें कभी भी आप हंड्रेड परसेंट फोकस नहीं रहोगे तो प्लान भी बाद में देखो लेकिन पहले पूरा अपनी एनर्जी इस पर लगाओ ये बहुत ज़रूरी है मेरे <coughs> भी सिमिलर व्यूज़ हैं कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली फीलिंग यही है स्ट्रेस रिलीफ वाली कि अब दोबारा से प्रिंस नहीं देना दोबारा से वो अखबार से नोट्स नहीं बनाने दोबारा से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी तो ये वो रिलीफ सबसे बड़ा होता है फिर तो दूसरी चीज़ वही कि अब सोशल रिस्पेक्ट एकदम से बढ़ गई है घर में भी कुछ बोलो ना तो सब सुनते हैं ध्यान से एकदम मतलब इससे पहले क्या होता था घर में सब बात कर रहे हैं मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सबकी बात आपस में चल रही है अब मैंने कुछ बोलना शुरू कराया तो सब मुझे सुनते हैं मतलब एकदम ना वॉकवर्ड साइलेंस हो जाती है तो ये वाली चीज़ें हैं इन्जॉयबल एंड रही बात अपने आपको इस पूरी प्रोसेस में लेके कैसे चलें उसके लिए वही चीज़ की एक तो एक हॉबी अपना मैंटेन रखें कि जिसको आप फ्री टाइम में अपने आप को जब आप रिलैक्स मोड में जाएँ तब आप वो चीज़ फॉलो करें और सेकेंड चीज़ क्लैरिटी रखें अपने माइंड में कि भाई इतने अटैम्प्ट लग सकते हैं मैं इतने अटैम्प्ट दूंगी और वही वाली चीज़ अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ना जैसे फ़ॉर एग्जांपल बहुत लोग क्या करते हैं प्लान बी की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यूपीएससी के टाइम ही उनका यू पी का प्रबलम्स होता है फिर वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि मेन्स की पढ़ें क्योंकि मेन्स की तैयारी है नहीं या यू का प्रब्लम्स पढ़ें क्योंकि प्रल्लम्स भी आ रहा है तो ये डिस्ट्रैक्शन हमें नहीं चाहिए एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू अटैम्प एंड फिर इसमें एक चीज़ आप और प्रैक्टिस जो कर सकते हैं वो मेडिटेशन है मतलब मेडिटेशन या मतलब भगवान को याद करना या मेडिटेट करना बिकॉज आई थिंक प्रेइंग ऑल्सो हेल्प्स अलॉट क्योंकि ना वो जैसे मैम ने पहले भी बोला था एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए तो वो आप गॉड भी को भी आप वो कॉन्फिडेंट बना सकते हैं एंड दैट हेल्प्स अ लॉट मतलब उससे आपको ना एक वो स्परिचुअल एनर्जी वाली चीज़ भी ऐसा लगेगा कि हाँ भगवान मेरे साथ है तो हो जाएगा तो दीज थिंग्स यू कैन फॉलो वही है कि अब सपना था यूपीएससी क्रैक करना वो हकीकत बन गया तो डेफ़िनेटली अच्छा लगता है पहले यूट्यूब पे ऐसे जोश टॉक्स वगैरह दिखता था ना तो होता था कि यार कभी जाके यहाँ पे बोलने का मौका मिलेगा और ऐसा वो सपना तो रियलिटी है अभी बोल रहे हैं ऐसे तो वो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है और स्ट्रेस रिलीफ तो है ही कि अब प्री दोबारा नहीं देना वो बहुत बड़ा एक फियर होता है माइंड में और इससे अब क्या हो गया कि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं सोसाइटी के दो पहलू हैं वही लोग जो आपको ताने मारते हैं ना तो वो अब आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं सामने से कि अरे मैं तो ये हम तो कही रहे थे हमने तो कहा ही था इनका हो जाएगा ऐसा फेज़ है फिर जब आपके अब दूसरा ये है कि जब आपके लोज आते हैं इस जर्नी में खुद को कैसे काम रखना है उसमें वही है कि पहले तो अपना मेंटली प्रिपेयर हो कि आपको कितने अटैम्प्ट दोगे और कितने अटैम्प्ट तक आप में मतलब वो क्षमता है अपने आप को रोकने की और फिर फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है स्पेशली पेरेंट्स का इसके अलावा वही हॉबीज़ वगैरह आपके पास होनी चाहिए कि आप साइड बाय साइड कुछ कर रहे हो और कॉन्फिडेंट में आजन हाँ डेफिनेटली ये पॉइंट बहुत है कि हाँ आपको मंदिर वगैरह जाके बहुत सेटिसफैक्शन मिलता है आप मंदिर जाओ गुरुद्वारे जाओ वहाँ पे आप अपनी मतलब पूजा करो बैठो थोड़ी देर शांति से ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं उन लो फेजेस में और आपके फ्रेंड्स हो ऐसे जिनसे आप अपनी दिल की बात कह पाओ कि ऐसा लग रहा है ये हो रहा है तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं इस जर्नी में आप लोग के आंसर से एक फॉलोअप क्वेश्चन है ये दिन वर्सेस नाव में कैसा ऐसा रिस्पॉन्स है अभी जैसे आपके दोस्तों का एक था जैसे आपने बताया कि आप ह्यूमरस वे में लेते थे और मैम ने बताया कि लेडीज़ को कॉलोनी नहीं थी तो पहले के रिस्पॉन्स में और अभी के रिस्पांस में क्या अंतर है कि लेडिव का जो रवैया था पहले और अब वो चेंजेस से क्या फील आ रहा है आप लोग को मेरा रिस्पॉन्स तो अभी भी बहुत ही वैसा ही है <laughs> क्योंकि मुझे फ़ोन पर बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है तो मेरे पापा बोलते हैं कि हाँ वो थैंक यू बोल रही है बट <laughs> <laughs> ऐसे ऐसे नहीं कि मैं इग्नोर कर देती हूँ मतलब मैं थोड़ी देर बात करती हूँ और फिर मैं मम्मी पापा का दे देती हूँ क्योंकि बहुत देर बात करना ना थोड़ा थकाने वाला लगता है ऐसे सामने बात हो सामने हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ एक बॉम्बड फीलिंग आती है तो फ़ोन में थोड़ा उतना मज़ा नहीं आता तो हाँ ऑब्वियसली सोसाइटी की तरफ से तो बहुत ही ऐसे रिस्पेक्ट मिलता है तो अपने एरिया में जाओ पार्क में घूमो तो लोग हेलो बोल के <laughs> बात करते हैं तो हाँ वैसे बात करना अच्छा है तो ये चीज़ है आई थिंक इसमें देन वर्सेस नाउ में ना जो एक्चुअल में चाहते थे कि तुम्हारा हो जाए दे आर वेरी हैप्पी और जो एक्चुअल में चाहते थे ना कि इसका ना हो ये परेशान रहे मतलब कुछ मतलब जिनको एन या जेलस वाली फीलिंग थी दे एल ना कट दैम सेल्फ ऑफ वो एक बार आपको कंग्रेचुलेशन और थैंक यू बोल के जाएंगे फिर वो आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि अब उन्हें लग गया कि यार जो हम चाहते थे वो तो नहीं हुआ और फिर तीसरे टाइप के लोग वो होंगे कि भाई जो अब आपसे ज़्यादा बात करना चाहेंगे अब आपसे ज़्यादा मिलना जुलना चाहेंगे तो इसमें हर तरीके के लोग हैं हर तरीके का रिएक्शन है एंड पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा सच क्योंकि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का भी ऐसा कुछ मेरा एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था जो था सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था तो उसमें अब मुझे प्रेशर नहीं है क्योंकि अब फिल्म देना नहीं दोबारा भैया देन वर्सेज नाउ में क्या हुआ है पहले मतलब सोसाइटी में धीरे धीरे क्या होता है अटेम बढ़ने लगते हैं रिस्पेक्ट आपकी थोड़ी खत्म होने लगती है अब वो रिस्पेक्ट फिर से मिलने लगी है पेरेंट्स का तो सपोर्ट था ही पहले से चलो फिर और ये हो गया मैं जब रिजल्ट आया था ना जो ऐसे ऐसे लोग जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है उनके भी कॉल्स आ रहे थे तो मैं स्टार्टिंग में बहुत इरिटेटेड होने लगी थी फिर मैंने खुद को समझाया कि सोसाइटी बहुत फेक है अपने आप को ठीक है कुछ ही लिमिटेड लोग हैं जो ट्रस्ट वर् उन पर ट्रस्ट करो और बाकी से ठीक है हाँ हाई हाँ, हेलो करके और चलते बनो वाला है और जो चीज़ बोली बहुत इंपॉर्टेंट कि बहुत लिमिटेड लोग थे जो शायद खुश हुए थे इससे तो वो तो खुश हैं वो दिल से उनका पता चलता है कि वो खुश हैं कुछ ऐसे थे जो बोलते हैं कि इन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन एक दो तो ऐसे थे जो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट तक नहीं करने आए वो तो उन्होंने उस दिन से जिस दिन लिस्ट में नाम आया ना उन्होंने बात ही करना बंद कर दिया तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे <laughs> तो बस ठीक है बस ब्लेसिंग्स हैं सबकी कि रिजल्ट क्लियर हो गया टचवर्ड तो ये थी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यूपीएससी की जर्नी की एबीसी आशा करते हैं हमारे ऑडियंस को हमारे एस्पिरेंट्स को कुछ हेल्प मिली होगी इसी से और इसी के साथ आज का हम ये सेशन यहीं एंड करते हैं थैंक यू सो मच आप लोगों ने अपना समय निकाला आप यहाँ आए और थैंक यू सो मच कि आप लोग और हमारे श्रोता अभी तक हमारे साथ बने रहे थैंक यू हेलो हम में से बहुतों का सपना है आई ऑफिसर बनना लेकिन ये जोड़नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चन है तो पहला सवाल ये की हम कोचिंग कहाँ से लें और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में तो दो कोचिंग्स और मान गए हैं के एस डी आई एस और अन्य अब हमें कॉन्टेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प करेंगी हम घर बैठे के एस डी आई एस और अन्य अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ हम हाँ यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहाँ आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है जय हिंद